तो मर जाएंगे लेकिन हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। हाँ, तो आज वो कैसे चले गया? उसको तो पहले मर जाना चाहिए था। राहुल जी एक देश का बहुत बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन एमफिल है भाई, पप्पू कहने वाला खुद कायर है, आदमी को भड़का रहे हैं। राहुल जी एक ऐसा नेता है जो पूरे भारत को जोड़ के जो है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहता है। एकदम पूरा बहुमत से सरकार बनाएगा राहुल गांधी। ये जो आज गांव-गांव इलाके-इलाके घूम रहे हैं, लोगों को परेशानियां को जान रहे हैं, यही देश का भला सकता है, कर सकता है, वो उसका नाम है कांग्रेस। राजनीति में उठा पटक चल रही, यहाँ की जनता है, यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। जो नीतीश कुमार ने डिसीजन लिया है, क्या यहाँ की जनता के लिए वो डिसीजन सही है या गलत, किस तरीके से देख रहे हैं नीतीश कुमार के डिसीजन को? बहुत गलत किया है। पहले तो बोलता था मर जाएंगे लेकिन हम बीजेपी में नहीं जाएंगे। हाँ, तो आज वो कैसे चले गया? उसको तो पहले मर जाना चाहिए था। पहले मर जाना चाहिए था, वो अपने से बोला है कि हम मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। वो जिंदा रह के भी क्या करेगा? झूठ पर झूठ बोलता है। विकास नहीं कर पाएंगे यहाँ का? विकास तो किया ही नहीं, बस विकास इतने किया है गरीब गुरबों को वो परेशान किया है। नल में जो पानी दिया, नल जल पानी तो आया नहीं, लेकिन उसके यहाँ बिल आना शुरू हो जाएगा। बिजली का तो वो हाल करके रखा है कि विकास देख लीजिए, गांव से पूछ ली। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं 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 है। नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं। क्या हम लोग पलटू सरकार को नहीं चाहते? पलटू कौन है? पलटू नीतीश कुमार, जो कि हमारे गरीब चारों को भाई साहब को सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, रोजगार नहीं है, हम लोग बैठे हुए हैं 83 साल से कोरोना लॉकडाउन के टाइम से हम लोग बैठे हुए हैं, खा रहे सर मजदूरी कमा रहे, खा रहे जी रहे। हम लोग को पलटू सरकार नहीं चाहिए, हम लोग कांग्रेस सरकार बनाएंगे। हम लोग कांग्रेस सरकार पे है, कांग्रेस सरकार से गठबंधन है, गठबंधन तो टूट गया, वो गठबंधन टूट गई सर, हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाएंगे इस बात का गारंटी है सर। किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस राहुल गांधी का सरकार चाहते हैं हम लोग। लगता है 2024 में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? एकदम पूरा बहुमत से सरकार बनाएगा राहुल गांधी। ये जो आज गांव-गांव इलाके-इलाके घूम रहे हैं, लोगों को परेशानियां को जान रहे हैं, यही देश का भला सकता है, कर सकता है, वो उसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस ही भला। रिजल्ट जिस तरह के आ रहे हैं, कांग्रेस को तो हार मिल रही है। रिजल्ट तो वो तो राज्य का था, अब केंद्र का होगा तो पता चल जाएगा ना। अभी केंद्र का होगा ना 24 में, देख लीजिएगा कहाँ जाता है। नीतीश कुमार ने जो डिसीजन लिया है, लोग खुश नहीं है उससे? एकदम खुश नहीं है। इसका नाम पलटू राम रह गया। हाँ, पलटू राम है, पलटू पलटते रहता है। अच्छा, उसी तरह वो पहले बोलता है हम मर जाएंगे, मिट्टी मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, फिर वो चले जाता है। क्या जो उसको भी बढ़ाएंगे नौकरी देने लगा, तो नीतीश कुमार को ये झूठा अहदा करने वाला आदमी उसको अच्छा नहीं लगा। वो जेल जाने का नेमत था, उसीलिए वो जाकर के बीजेपी में वो सेट गया जाकर के। तो जेल जाने वाले थे वो? जेल जाने वाला थे, गलत काम कर रहा है। कोई ईमानदार नहीं है ये तो, आज से 70 बरस जितना प्रभाव नहीं पड़ा है, ये 6-7 साल में जो है जो बीजेपी का सरकार में आकर के आदमी जो भूखा पेट सो रहा है, अभी किसी का बदन में कपड़ा नहीं, इतना महंगाई बढ़ा दिया है हर चीज़, 1200 रुपया गैस का दाम कर दिया, तेल का दाम, कपड़ा का दाम, हर चीज़ में दाम बढ़ा करके पूरा खून चूस लिया गरीब का। और वो बोलता है हम शक्तिशाली देश बना रहे हैं, कहाँ है शक्तिशाली देश? घर घर में जाके देखिए, भूखा पेट सो रहा है आदमी, बदन में कपड़ा नहीं है, बच्चा खाली हाथ जो है नंगा बढ़ा रहा है, आदमी दे नहीं पड़ा है, इतना उसमें आपको जीएसटी लग रहा है, हर चीज में जीएसटी बढ़ा दिया है, क्या फायदा किया गरीब के लिए? नीतीश के साथ नहीं है यहाँ की जनता? नीतीश का तो 10 सीट लाना आप मुश्किल हो जाएगा। क्यों? उसको ऐसा पलट मारता रहेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उसका वैल्यू खत्म हो गया, वो अपना जान बचाने के लिए बीजेपी का झोली में जाके ढुका है। जान बचाने के लिए देखा तेजस्वी यादव जो है अभी नगरी देता है, हर चीज में आगे बढ़ रहा है, तो मेरा पता कट जाएगा, वो अपना सत्ता हंसने के लिए उसका झोली में जाकर के वो बैठ गया जाकर। इस बार 2024 के चुनाव कोई सवाल नहीं है, 10 सीट ला के दिखा दे वो, 10 सीट नहीं आएंगे ना, 10 सीट नहीं आएगा उसको। तो इस बार क्या होगा फिर 2024? इस बार क्या कांग्रेस से RJD आएगा बिहार? कांग्रेस तो खुद गठबंधन नहीं, कांग्रेस तो राहुल गांधी के लिए हम लोग भूखा मर जाएंगे, मगर उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी के भूखा मर जाएंगे? भूखा मर जाएंगे। यहाँ कसी डॉक्टर जावी साहब बुरा बहमत से जीतने जा रहा है किशनगंज जिला,
राहुल गांधी में जो आप भूखा मरने की बात कर रहे हैं? बहुत है वो, उसका वो पूरा ये देश के लिए खून बहा दिया है, ये देश के लिए खून बहा दिया, पूरा खानदान खत्म हो गया उसका, देश के लिए पूरा खानदान खत्म हो गया उसका, इस देश को बचाने के लिए, गरीब को बचाने के लिए, हर जाति को एक साथ जोड़ने के लिए ये क्या किया? ये तो खाली विनाश किया है, ये देश को बेच रहा है। तो पप्पू कहती है राहुल गांधी को, वो उसका कहने से क्या होगा? पब्लिक तो नहीं ना कर रहा है, उसका कहने से सब सब चोर बन जाएगा तो हो जाएगा क्या? तो कहते मैच्योरिटी नहीं है। नहीं नहीं, उसका गलत ही है। कौन बोलता है भाई? उसका सोच गलत है। भाजपा के? नहीं नहीं नहीं, अरे एक राहुल जी एक देश का बहुत बड़े पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन एमपी है भाई, पप्पू कहने वाला कुछ कायर है, आदमी को भड़का रहे हैं। राहुल जी एक ऐसा नेता है जो पूरे भारत को जोड़ के जो है सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेना चाहते लाना चाहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चलना चाहता है, और ये जो है भाजपा जो है ये जो है जात पात का लड़ाई करता है, हिंदू मुस्लिम में फटवारा करता है। हम लोग को ऐसा सरकार चाहिए किसी का मंदिर भी ना तोड़े, मस्जिद भी ना तोड़े, गुरुद्वारा भी ना तोड़े, चर्च भी ना तोड़े, हर देश का जो है विकास हो, सबको लेके चले, तोड़ लेके चल सकता है ऐसा राहुल जी के अंदर दम है कि वो लेके चलते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, पूरा हदफ लिया है कि पूरा भारत को जो है एक साथ जोड़ के चलेंगे। और ये नीतीश जी जो है ये तो तीन बार, एक बार लगा के तीन बार जो है बिहार के अवाम का भरोसा को तोड़ा है, वो कभी जो है वो बीजेपी की तरफ, कभी भरोसा क्यों जताते हैं? कौन भरोसा जताते हैं? जनता, जनता, जनता देखिएगा बिहार का जो अगला असेंबली इलेक्शन होगा उसका सोपड़ा साफ हो जाएगा बिहार से। तेजस्वी तय है कि इस बार असेंबली इलेक्शन बिहार का अगला इलेक्शन में जो है तेजस्वी तय है, उनका ही सीएम बनेंगे, खुद सीएम बनेंगे। लेकिन रास्ता साफ कर दिया 2024 का भाजपा का। 2024 क्या मतलब? 2024 में भाजपा आ रही है? भाजपा नहीं आ रही है भाई, भाजपा से जो है खुश नहीं है यहाँ। क्यों खुश नहीं है भाजपा से? इसलिए कि यहाँ जो है एक चीज सबसे बड़ी चीज है कि हिंदू मुस्लिम के अंदर विभाजन करना, मस्जिद तोड़ना तो मंदिर बनाना, ये क्या है? मस्जिद भी बने, मंदिर भी बने, चर्च भी बने, गुरुद्वारा भी बने, जो ऐसा हम लोग को पीएम चाहिए जो सबको लेकर, सब जात पात को साथ लेकर चले, वैसा ही हम लोग को पीएम चाहिए, वो है राहुल जी। राहुल जी कर दिखाएंगे। तो कहते सीखने की जरूरत है राहुल गांधी को, अभी जो कह रहा है उनको सीखने की जरूरत है। एक एमफिल जो आदमी, जो देश का सबसे बड़ा पढ़े लिखे एमपी आदमी है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है, जो बोलता है उसको सीखने की जरूरत है। राहुल जी को सीखने की जरूरत नहीं है। बताते हैं उनके अंदर क्या कमी बताते हैं? ज्ञान नहीं है, ज्ञान बहुत है। जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा वही, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वही बोलता है उसको, क्योंकि ज्ञान नहीं है, ज्ञान से भरपूर है, मेच्योरिटी है पूरा, एमपी पढ़े लिखे आदमी। बिहार की जनता क्या चाहती है इसका? इस बार बिहार की जनता यही चाहते हैं कि कांग्रेस का सरकार हो, ये इंडिया का सरकार हो। विकास नहीं चाहते आप? विकास क्या, विकास तो कांग्रेस आने से विकास होगा ही। कहाँ गया वो नीतीश? हाँ बोलिए। 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया सालियाना? 2 करोड़ नौकरी भाजपा का, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया? सालियाना बोलता था कि हम जो 2 करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ तो नौकरी हम लोग देखे नहीं। यहाँ बेरोजगार जो है ठेला चला के खा रहा है, रिक्शा चला के खा रहा है, छोटा छोटा दुकान करके खा रहा है। करेगी कांग्रेस ही करेगी? हाँ कांग्रेस सही है, कांग्रेस विकास करेंगे। हम लोग को आशा उम्मीद है। 70 साल कांग्रेस ने लूटा है, कुछ नहीं लूटा है, ये आके लूटा है, लूटा ये है, एरोप्लेन बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, तेल बेच दिया, सब कुछ तो यही बेच दिया भाई। इतना कर्जा है, अभी एक बच्चा पैदा होगा हिंदुस्तान में तो 1 लाख रुपए उनके ऊपर कर्ज है, एक बच्चा धरती पे आने से ही 1 लाख रुपए कर्ज हो जाता है। लेकिन आप पलटू राम की उपाधि दे रहे हैं उनको, नीतीश कुमार को। अब ये सीएम खाली वो अपने सीएम के लिए सोचते हैं भाई कि मुझे सीएम बिहार में रहना है, चाहे मुझे एनडीए के साथ जाना पड़े या मठबंधन ये महागठबंधन के साथ रहना पड़े, उनको अपना सीएम की लालच है, सीएम बचाना चाहता है। अगर वो बिहार के लिए सोचते तो इधर उधर नहीं करते। मेरे हिसाब से आप तो उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए भाई, काफ़ी उम्र दराज हो गए हैं। अच्छा। राजनीति अब जो है युवा पर छोड़ देना चाहिए।